वेलकम टू पाकिस्तान इडियट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हरिद्वार कुंभ 2021। स्विट्जरलैंड से लगातार 4 साल से पैदल चलकर महाकुंभ मेले में पहुंचा भाई बैन बाबा। हाँ, तो मतलब स्विट्जरलैंड से हर साल 4 साल से बंदा पैदल चल के आता है कुंभ मेले में, और है भी स्विट्जरलैंड का बंदा। तो इसने क्या बोला है इसके बारे में, ये इसका मतलब मेरे ख्याल में कोई इंटरव्यू लिया गया। तो जल्दी करते हैं भाई, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो शुरू, देखते हैं यार। मतलब भाई, मतलब मैं हैरान हूँ, 4 साल से मतलब कुंभ मेला, जो महाकुंभ मेला होता है वो काफी मतलब इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो देखते हैं जल्दी से। गौतम खट्टर का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। मेरा तपस्या, पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल, 5 साल पहले मतलब शुरू किया, और इंडिया में भी सब कुछ पैदल। ये मेरा अभी ये मेरा जिंदगी की तपस्या साधना है, पैदल। अच्छा, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? हाँ, 4 साल। 4 साल इंडियन बॉर्डर तक, और इंडिया मतलब इंडिया में 1 साल हो गया, 5 साल, और घर से इधर तक। ये मेरा साधना है, पैसा के बिना, फोन के बिना, पैसा और फोन के बिना। ये देख भाई, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है यार। जय गंगा मा, बोल रहे कितने मजे का है ना। जय गंगा मा, गंगा मा। नमस्कार दोस्तों, मतलब लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, कुंभ नगरी, आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आगाज हो चुका है विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का, और इस महाकुंभ की एक एक चीज, एक एक आकर्षण का केंद्र मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और आपकी भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको मिलाऊंगा बैन बाबा। बैन बाबा नाम भी बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। बैन बाबा स्विट्जरलैंड के हैं, भारत में रहते हैं, और भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का, भारतीय सभ्यता का प्रचार। क्या बात है, यानी कुछ गलत भी नहीं है। देखते हुए वो कुंभ 2021 में शामिल होने बना रहे हैं बैन बाबा। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको बैन बाबा के पास। बहुत बहुत स्वागत है बैन आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या हिंदी बोल रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो आपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, आप आते हैं स्विट्जरलैंड से, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश माना जाता है जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं एंजॉयमेंट के लिए, मजे के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए। आपको क्या हुआ जो आप ये चोगा पहनकर भारत आ गए, और भारत में भी हरिद्वार का कुंभ करने आए हैं? स्विट्जरलैंड में सब कुछ है, लोग सब कुछ, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है, और मैं उधर देखा था जब इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा खुश नहीं है, कभी खुश है, कभी खुश नहीं, सुकून नहीं है। इस तरह देख रहा हूँ, खुशी पैसा से बिल्कुल नहीं आ सकता है, पैसा खुशी नहीं देते, और मैं सोचता हूँ सच खुश अंदर से आता है, इसीलिए सच्ची खुशी अंदर से आती है। ये मेरा शौक पैसा नहीं है, जब पैसा है ठीक है, लेकिन ये जरूर नहीं है। सबसे जरूर ध्यान करना, योगा सीखना अंदर के खुशी के लिए। क्या बात है, अंदर की खुशी कहते हैं। आपने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा जब आप स्विट्जरलैंड में थे आप क्या करते थे? मेरे काम पहले से ये वेब डिजाइनर, तो उसमें कितना पैसा कमा लेते होंगे? काफी पैसा, बहुत काफी पैसा। जी घंटे से लगभग $10, कभी कभी और भी ये पैसा मेरे साथ नहीं है, और मेरे साथ कुछ पैसा नहीं, मेरे पास, मेरे साथ मेरा घर से अभी धर्मशाला, अभी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा है, पैसा नहीं, और घर से इधर तक ये मेरा साधना है, पैसा के बिना, फोन के बिना। उधर सब कुछ है हिमाचल प्रदेश में,
लेकिन हिमाचल में फुल संन्यास संन्यास ले लिए इन्होंने। बैन बाबा के पास जब हरिद्वार आए हैं तो कुछ भी नहीं है और ये साधना है, बिना पैसे के चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। बैन एक और सवाल मेरा है कि भारतीय संस्कृति की कौन सी चीज़ों ने आपको भारत की तरफ प्रभावित किया, आकर्षित किया, वो कौन सी भारत की चीज़ें थी जो स्विट्जरलैंड छोड़ के आप यहाँ आ गए? हाँ जी, सबसे ज़रूर बात आपके आपके पास भारत में सबसे ज़रूर ये योगा, योगा कहते हैं, सबसे ज़रूर ध्यान करना, ध्यान समाधि मोक्षा और आत्मा शास्त्र, ये आपका सबसे, मैं सोचता हूँ सबसे मूल्यवान बात इंडिया में आत्मा शास्त्र, गौतम बुद्ध और लॉर्ड शिवा और माँ पतंजलि से पतंजलि और वे सब लोग एक ही बात कहते हैं, अंदर शांति करना और ध्यान ध्यान करना। I will recite one from Gautam Buddha. It's a mantra for universal love. It's wishing well to everyone. Bhavatu sava mangalam. Kya strong belief hai bande ka, kyun bhai? Bhavatu sava mangalam. Kitni jaldi matlab seekh liya hai yaar. Bhavatu sava devata. Sava dhamma anubhavena. Sada soti bhavantu te. Have you heard about Gayatri Mantra? Can you recite it? Om Bhurbhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Vargo Nivasadhi Mahi Niyo Yona Prachodayat Om Shanti Shanti. What is this? Shanti Shanti Om. आप अपने बच्चों से भी अगर पूछेंगे कि गायत्री मंत्र सुनाओ तो शायद वो गायत्री मंत्र न सुना पाए, लेकिन सौभाग्य और गौरव की बात यह है कि स्विट्जरलैंड से आने वाले एक वेब डिजाइनर जो घंटों के डॉलरों कमाते थे वो आज आपको गायत्री मंत्र सुना रहे हैं। बेन आई हैड ए क्वेश्चन दैट What kind of sadhana you are doing that आप अभी नंगे पैर हैं, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, नंगे पैर क्यों चल रहे हैं और गाड़ी में आपने बैठने से क्यों मना कर दिया? मेरा तपस्या, पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आया था और इंडिया में भी सब कुछ पैदल करता हूँ, ये मेरा अभी ये मेरा जिंदगी की तपस्या साधना है, पैदल पैदल पैदल, क्योंकि पैदल इतना आराम है, गाड़ी में एक गाड़ी में 10 घंटे चाहिए, पैदल 1 महीना शायद। एक बात बताइए, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी हाँ जी। कैसे? 18 मुल्क यूरोप से, बाद में तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? लेकिन 1 साल इंडिया में और 4 साल इंडिया, मतलब बॉर्डर तक 4 साल मुख्तलिफ देशों में, 1 साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 4 साल। बहुत टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है? नहीं, टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हूँ और अभी कौन सा टारगेट, अभी सच टारगेट अंदर है, अभी ध्यान करना, मतलब इधर है चलना, पैदल में जाना, ये मेरा ध्यान है। पैदल चलते हैं, मैं तो देख करके और सुन करके स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आ गए, अलग अलग देशों से होते हुए, बिना वीजा के आए कि वीजा के साथ आए? जी, सबसे जरूर आज सबसे दिक्कत ये वीजा के मुश्किल से, वीजा के सवाल है और सब मुल्क अलग है, लेकिन एक मुल्क में अगली मुल्क के वीजा बनाता हूँ और कभी कभी काफी मुश्किल है, कभी कभी कोई वीजा नहीं चाहिए। इंडिया में वीजा आया था और अभी जब कोरोना है नया वीजा वे हमेशा देते हैं हर महीनों, हर मुल्क अलग है, लेकिन कुल मिलाकर मैं कर सकता हूँ, वीजा के सवाल भी कर सकता हूँ। तो आप ये बताइए कि 5 साल से लगातार पैदल चल रहे, अब तक गाड़ी में बैठे ही नहीं? जी, कैरी के बिना 5 साल पैदल में। हिमाचल से कब चले थे हरिद्वार आने के लिए? 25 दिन चाहिए, 25 डेज। 25 दिन से पैदल चल रहे हैं? हाँ हाँ, 500 किलोमीटर। थके नहीं 25 दिन से? नहीं नहीं, क्योंकि आराम से दिन से 20-30
35 किलोमीटर और आराम से जाना, जब तक गए मैं सोता हूँ, जब तक नहीं गए मैं जब सकते और सोते कुल मिलाकर मतलब रातों के से रुकते हैं जी, हर रात अलग है। कभी कभी जंगल में सोता हूँ, कभी कभी आश्रम में, कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारा में, कोई टेम्पल, कोई घर, लोग आमंत्रित करते हैं, किसी भी जगह सो सकता हूँ, कोई स्कूल में, एक स्कूल आमंत्रित किया। और कल हरिद्वार कहाँ रुके? कल गंगा के ऊपर आसमान के नीचे सोया था। गंगा के ऊपर और आसमान के नीचे, मैं सच में बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, खुद हैरान हूँ कि बैन बाबा जो 5 साल से लगातार इंडिया के बॉर्डर पैदल चलते चलते पहुँचे हैं, आसमान के नीचे गंगा के ऊपर सो जाते हैं और बिना पैसे के चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मैं वाकई में आपसे बड़ा अपनी हाई फाई लाइफ छोड़ के इतना चढ़ के हुआ हूँ और कुछ भारतीयों को संदेश देना चाहें। हाँ ठीक है, मेरा मैसेज है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, हम नहीं इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम जा सकते हैं और पैसा और गाड़ी और सब बराते बराना बराना, लेकिन सच में सबसे ज़रूर शास्त्रा इंडिया में है और हम इधर विदेशी के शास्त्रा नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे जरूरी बोल रहे हैं अपने आपके पास है, अंदर है और विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में कुछ नहीं। इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। तो मतलब ये आखिर मैंने बोला है कि मतलब विदेश में, यूरोप में न सीखो अपने कंट्री। आजकल में क्या होता है, विदेश यूरोप की ज्यादा मतलब फॉलो कर रहा है, किस कल्चर को फॉलो कर रहा है, उधर के कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि उस कल्चर को छोड़ो, एक गोरा बोल रहा है, गोरा बोल एक स्विट्जरलैंड का बंदा जो खुद उधर का है, बिल्कुल ये बोल रहा है कि अब इंडियंस को चाहिए कि मतलब जो उनको फॉलो करना छोड़े, बिल्कुल, और अपना कल्चर जो इतना बेस्ट है उसको फॉलो करें। और देखो यार, सबसे मुझे मतलब शॉकिंग बात लगी, 4 साल पैदल चलना सिर्फ बॉर्डर तक, मुख्तलिफ देशों में 18 देश घुमाए, किन चीज और पैदल घूमता रहा, खुद अंदाजा लगाओ तो इसको 4 साल लगे। 1 साल इंडिया में घूम रहा है, अभी हिमालय में, सॉरी 1 साल से मतलब पैदल चल चल के पूरी मुख्तलिफ देशों में, सॉरी अपने इंडिया के देशों में पैदल चलता है, न फोन, मतलब इंडिया के स्टेट्स में न पैसा भाई। हाँ मुख्तलिफ 4 साल लगे उसको इधर आने में, मतलब इतना वो चला, मतलब जाहिर बात है यूरोप से आओगे जहाज में तो 2 घंटे लगे। ये नहीं इसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे पैदल अच्छा लगता है, कहता है मेरे पास पैसा था, मेरे पास खुला पैसा था, बड़ा घर था, गाड़ी थी, बिल्कुल। और एक ये सबसे चीज टफ क्या होती है, जब लाइफ में जब आपके पास पैसा ज्यादा हो और आप मतलब कोई साधना करो, फिर कोई बंदा कुछ नहीं करता, पैसे में खो जाता है। डेली 30-35 किलोमीटर चलता है, जब कहता है थकता हूँ सो जाता हूँ, और लोग मतलब कहते हैं कभी मंदिर में सो जाता हूँ, कभी स्कूल में सो जाता हूँ, जंगल में सो जाता हूँ, कभी किसी के घर में सो जाता हूँ, कभी लोग आमंत्रित कर देते हैं अपने घर में, वही ना मतलब वो बुला लेते हैं। और कहते इन्होंने जब पूछा ना कि मतलब कहाँ आज सोए, तो उसने कहा गंगा के ऊपर आसमान के नीचे, मतलब यार क्या स्ट्रॉन्ग बिलीफ है बंदे का यार, मतलब हिंदू धर्म पे। और दूसरी बात यार ये कि मुझे जो हर किस्म का वो उन्होंने गायत्री मंत्र, इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, मतलब वो कहते हैं कि आज का बच्चे को याद नहीं पता मतलब। और एक बात मैंने नोट की है, कोई भी नॉन मतलब जो दूसरे धर्म का होता है ना, वो जब दूसरे धर्म में जाए तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करता है हमारी नस्बत जो हम पहले से उस धर्म में, बिल्कुल। ये बात है भाई, हाँ ये है, हाँ ये है। और दूसरे यार ये कि मतलब शुद्ध ऐसी हिंदी बोल रहे हैं जैसे पैदा ही यही हुआ, सच में। हाँ देख बहुत कमाल है यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब पूरी अपनी जो है ना बहुत अच्छी जिंदगी जो मतलब गुजार रहे होते हैं, जो सही अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, संन्यास में आते हैं, तो मतलब वो एकदम उनकी वो बड़े, मैं कहता हूँ वो एक बड़े दिल वाले लोग होते हैं। ये काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम भाई, जो ये लग रहा आसान है लेकिन हद से ज्यादा ये चीज मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चल के आता है 35 किलोमीटर, कितना खुश है इसकी स्माइल, स्माइल से पता, और इसकी हिंदी कितनी कमाल की, बोल रहा था मैं खुद, मुझे पसंद आया।
आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, शॉक लगी कि नहीं लगी, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो यार बाय।